नमस्कार, सोनालिका गौरमी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजिया। ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है। ज़्यादातर त्योहारों के समय इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने की सारी सामग्री हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए इसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा लगाएंगे। तो मैदे में हमने घी डाला है यहाँ पे, और घी हम एक साथ नहीं डाल के बैचेस में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इसको डालेंगे, और बहुत ही अच्छे से मैदे में घी को मिलाना है। पूरे अच्छे से मिल जाए, कोई गांठ ना रहे। तो धीरे धीरे हमने पूरा इसको मिला लिया। ये देखिए, ये बाइंड हो रहा है। तो अब हम पानी से इसको सानना शुरू करेंगे। आटा को गूंदेंगे अच्छे से, लेकिन पानी भी बैचेस में डालना है, क्योंकि हमें बहुत ही टफ डो बनाना है। बहुत ही सख्त आटा गूंदना है यहाँ पे। तो ये हमने धीरे धीरे इसको पानी डालते हुए बहुत ही सख्त आटा गूंद लिया है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम अपना भड़ावन तैयार करते हैं। तो एक गर्म पैन में घी के बिना हमने सूजी लिया है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ा कलर ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 चम्मच घी डालकर इसको थोड़ी और देर के लिए फ्राई करेंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल के एक बोल में रख लेंगे। ये बढ़िया कलर आ गया है, तो इसको निकाल के हमने एक बोल में डाल लिया है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को सौते करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिए हैं, जो है काजू, पिस्ता और किशमिश। इनको किशमिश के पक जाने तक ही सौते करना है, और इसको भी हम निकाल कर सूजी वाले बोल में रख लेंगे। ये उसके बाद हमने थोड़ा सा और घी लेकर इस गर्म पैन में मावा को सौते करेंगे। मावा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसका कच्चापन चला जाए, बस उतना ही हम इसको सौते करेंगे। ये देखिए, मावा बहुत अच्छे से सौते हो गया है, मिक्स हो गया है बढ़िया से। तो यहाँ पे हम इसको सूजी वाले बोल में ही निकाल लेंगे। अब इस जो मिक्सचर बनाया हमने, इसमें चीनी ऐड करेंगे, और कुटी हुई इलायची हम यहाँ पे डालेंगे इसमें, और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा गुजिया का भरावन रेडी हो गया है। इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे गुजिया बनाने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है, हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। ये हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया से 10 मिनट के बाद ये बहुत बढ़िया हो गया है। अब हम इसकी लोई बनाकर गुजिया बनाना शुरू करेंगे। इस बीच हमने अपना तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो आटे के गोलों को हमें पूरी के आकार का काटना है, और इसको बहुत ही पतला, और ये बहुत मोटा नहीं बेलना है, नॉर्मल बेलना है। तो इसको पूरी के साइज़ का हम बेल लेंगे, और इसके किनारों पे बढ़िया से पानी लगा देंगे ताकि इनको सील करे, तो ये बिल्कुल जो भरावन है वो निकले नहीं। अब इसमें 2 चम्मच हमने स्टफिंग जो लिया है, ये लिया है, जो स्टफिंग हमने बनाई है वो डाल लिया है। अब इसको बहुत ही अच्छे से हमें सील करना है। पानी लगाने की वजह से ये बहुत अच्छे से स्टिक हो रहा है, इसके किनारे स्टिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से सील कर लिया है। ये तेल में जाने के बाद फटेंगे नहीं, नहीं तो इसे तेल में ये सूजी फैल जाएंगे। तो इसको मेक श्योर करें कि ये बहुत अच्छे से सील हो। फिर इसको गुजिए की शेप देंगे, किनारों को ऐसे बाहर की तरफ खींचते हुए और मोड़ते हुए हम इसको गुजिया की शेप देंगे। आप चाहे तो मोल्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, पर यहाँ हमने हाथों से ही गुजिया को बनाया है। ये आधे पे ट्विस्ट करते हुए हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर गुजिया हमारा रेडी हो रहा है। इसी प्रकार हम अपने सभी गुजिया को बना लेंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर बना है, बढ़िया से ये सील भी हो गया है। इसी प्रकार हम अपने सभी गुजिया को बना लेंगे, ट्विस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए। अब एक दूसरे प्रकार से भी हम गुजिया बनाएंगे, जिसमें इसकी शेप थोड़ी अलग आएगी। सील करने के बाद हम अपोजिट डायरेक्शन से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आना है। इसमें हम नाखून से कट करते हुए गुजिए को एक दूसरे शेप में काटेंगे।
तो यहाँ पे हमने नाखून से कट करते हुए इसको एक अलग शेप दी है। आप चाहे तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। ये भी गुजिया बहुत सुंदर लगता है देखने में, तो आप चाहे तो सारे गुजिया को ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा गुजिया तैयार है। तेल हमारा यहाँ मीडियम हीट पर है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे हमें गुजियों को नहीं डालना है, नहीं तो ये बाहर से बिल्कुल जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम हीटेड ऑयल पे हम इन गुजियों को फ्राई करेंगे। हल्के हाथों से घुमाते हुए और बीच में पलटते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। ये हमारा गुजिया का कलर बहुत ही सुंदर आ रहा है, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाने पर हम इनको निकाल लेंगे। ये बहुत ही सुंदर गुजिया हो गया हमारा, कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो इनको निकाल लेंगे और आप इसको काफ़ी समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो स्वादिष्ट गुजियों का आनंद लें, और भी नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।